हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे टू ऑफ आईपीपीएस क्लर्क एंड पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आई एम एक्साइटेड टू डाइव इनटू मोर क्वेश्चंस टू हेल्प यू ऑल प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मेक श्योर यू हैव योर नोटबुक्स पेन्स रेडी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले जिन्होंने डे वन की वीडियो मिस की है, सबसे पहले वो जाके देख लीजिए। रीजनिंग का पार्ट मैंने उसमें करवाया था एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज अबाउट मिसिंग नंबर। सो अगर ध्यान से देखेंगे तो 200 और 193 में गैप कितना है? 7 का। और 193 और 179 में गैप 14 का। 179 से 158 में गैप 21 का। देन आप देख रहे हो यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स चल रहे हैं गैप में, तो अगला 28 आएगा। 7 4 28, तो यहाँ पे 158 प्लस 28 माइनस 28, क्योंकि माइनस में जा रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो 0 3 130 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 343 81 115 143। सो अगर देखें तो 3 में 43 आया, उसके बाद तो प्लस 40 ऐड हुआ एंड देन यहाँ पे प्लस 38 ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस 34, यहाँ प्लस 28। दैट मीन्स पहले 2 कम हुए, 40 से 38 पे गए तो माइनस 2 हुआ, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे माइनस 6। दैट मीन्स अगले में माइनस 8 होगा, 28 माइनस 8 20, सो 20 ऐड कर देंगे 143 में, 163 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 1 6 25 76 153। सो 1 से 6 में जाएंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस 1, 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 प्लस 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, 76 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 और 153 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मतलब 154 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम ध्यान से देखें तो 50 से 54 हुए तो प्लस 4 हुआ, 54 45 माइनस 9, 45 से 61 प्लस 16 हो रहे हैं, 61 से 36 गए तो माइनस 25 हो रहे हैं, तो यहां पे माइनस 25 हो रहे हैं, तो यहां पे ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस चल रहा है, तो अगला होगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 में 36 ऐड करेंगे तो आएगा 72। नंबर 40 को ध्यान से देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 540 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080, 1080 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आएगा 1080, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। सो पहले सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख लेते हैं, दैट इज यू प्लस वी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है करंट की, स्पीड ऑफ करंट वो है 3 किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस है जो कवर करना है वो है 52.5 किलोमीटर। सो अभी क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने को स्पीड के अकॉर्डिंग।
सो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय टू, दैट इज 36/2 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम निकालेंगे तो वो निकलेगी 18 में से 3 करंट का माइनस कर दे 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम से टाइम निकालेंगे, को मैं नीचे निकाल देती हूँ, टाइम निकालेंगे तो टाइम आएगा 52.5 जो कि डिस्टेंस है ओवर 15, तो ये आ गया 3.5 आवर्स, ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जिसमें हमें निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। सो इसमें एक रूल लगता है बोर्ड मास का, यानी कि सबसे पहले अगर तो ब्रैकेट होगी वो सॉल्व होगी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 34 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 39। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, 4। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96। सो 3 जो है वो कट जाएगा 6 के साथ 2 पे, 2 इंटू 16 32, 32 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 160, 160 माइनस 96, एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो एक्स आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 और 169 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 और 4 चल गया 13, 9 293, 293 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। सो ये बनेगा अंडर रूट चल के उधर जाके स्क्वायर बन गया, ये बन गया एक्स इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 293 गए तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 31। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 28 का स्क्वायर होता है 784। माइनस एक्स क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 225, तो ये सारी कैलकुलेशन करके एक्स आ जाएगा हमारे पास 6। ऑप्शन नंबर ए। 47, 298 माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 का क्यूब 8, एक्स इंटू 11। सो ये सारा माइनस करके आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 121/11, दैट इज 11। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, 729 का क्यूब रूट पूछा है तो वो होता है 9 प्लस 3 इंटू 3/5 सॉल्व करके हो जाएगा 18/5x। 16 इंटू 9 होता है 144 जो कि बन गया 12। सो ये आ जाएगा एक्स हमारे पास 6/5, दैट इज 1.2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अब यहाँ पे परसेंट है, परसेंट को हम 100 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 256 जो होता है वो 16 का होता है, 243 डिवाइड बाय 3 प्लस 7।
सो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इधर करते हैं, 3x+16 88, x इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स इंटू 3 डिवाइड बाय 8 है तो मल्टीप्लीकेशन है, तो पूरे के नीचे 8 आएगा। 512 का क्यूब रूट पूछा है तो वो होता है 8 इंटू 12 का स्क्वायर 144 है, अंदर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, सीधा 12 आ गया हमारे पास। अब इधर 3 है, मल्टीप्लीकेशन है तो इधर कट सकता है, 3 जो है वो कट गया, 4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया एक्स एक्स एट 8 इंटू 4, सो 64 इंटू 4 जो कि बन गया एक्स 256, ऑप्शन नंबर ए। 51st क्वेश्चन, 136 जो है उसे डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के साथ, मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे, 17% साथ है तो उसके नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई होगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 500 के साथ, डिवाइड होगा 10 के साथ, सो ये यहाँ से गया, यहाँ से ये गया, 5 2 के साथ, 2 जो है वो 4 के साथ इधर से ऐसे कट जाएगा, 2 जो है 136 के साथ 68 पे चला जाएगा, सो एक्स आ जाएगा 17/68। सो 17/68 को अगर हम करेंगे तो आएगा 0.25 यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं 52nd क्वेश्चन की ओर, 1836 डिवाइड बाय 1836 डिवाइड बाय एक्स, अब दोबारा डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 1/9 आएगा, इज इक्वल टू 12। 9 को हम काट 12 को हम काटेंगे 1836 के साथ, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारे पास 17, ऑप्शन ई। ये थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे याद करनी होती है, तेज करनी होती है। अब रेशियो पूछी जा रही है प्रेजेंट एजेस की, दो पर्संस हैं ए एंड बी जिनकी रेशियो है प्रेजेंट एजेस की, सो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि ए रेशियो बी, प्रेजेंट एज है 3:2, उसके बाद आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद इनकी जो एज है वो बी रेशियो ए में दी गई है 7:10, तो ए रेशियो बी हो गया 10:7। अब देखते हैं, अब देखो 4 साल के बाद 3:2 में अंतर कितने का है, 1 का, और 10:7 में अंतर कितने का है, 3 का, सो ये अंतर जो है वो तो बिल्कुल सेम रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 3 9, 3 2 6, और 4 साल बाद ये तो सेम ही है 10:7, 9 और 6 में अंतर 3 का, 10 और 7 में अंतर 3 का। अब ठीक है, अब 4 साल के बाद वैसे तो 1 है यहाँ पर यहाँ पे +4 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, प्रेजेंट एज पूछी है बी की, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो सीधा आंसर आएगा हमारे पास 24 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंड डायामीटर इज 90 सेंटीमीटर, सो अगर हम रेडियस लेंगे, सर्कल ए का रेडियस उसे हम आर ले लेते हैं, सर्कल बी के रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस कितने होते हैं, 2 पाई आर, माइनस डायामीटर, डायामीटर होता है 2 आर, तो ये है 90 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3.14 × r − 2 r, ये बन गया 6.28 r − 2 r,
जो कि बन गया 4.28 आर इज इक्वल टू 90, तो आर आ गया अप्रोक्सीमेटली 21 सेंटीमीटर। आर अगर 21 सेंटीमीटर है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी इज 7 सेंटीमीटर लेस देन सर्कल ए, सो आर जो होगा रेडियस ऑफ सर्कल बी वो होगा 21 माइनस 7, जैसे कि हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। एरिया पूछा गया है अब सर्कल बी का, सो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर, ये बन गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 40 चिल्ड्रंस इन अ क्लास इन विच बॉयज आर 4 मोर देन गर्ल्स। टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं? 40। कहते हैं गर्ल्स जो है वो एक्स है, बॉयज जो है वो एक्स प्लस 4 है, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 4 36, x इज इक्वल टू 36 बाई 2 18, तो गर्ल्स जो है वो हो गई 18 और बॉयज जो है जो कि 4 ज्यादा है x प्लस 4 तो वो हो गई 22। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एवरेज वेट जो है सारे स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट्स का वो है 42.5 kg। सो एवरेज वेट की बात हो रही है, तो एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 42.5 kg, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 40 टोटल स्टूडेंट्स के कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा 1700 kg। और अगर अब हमें पूछा जा रहा है कि वेट जो गर्ल्स का है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स वो है 18, 18 गर्ल्स हैं और वेट कितना है 48, तो 18 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो 864 kg आ गया। बॉयज का निकालना है तो बॉयज का यहां से निकल जाएगा 1700 माइनस 864 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 836। टोटल 836 kg वेट होगा। और एवरेज वेट अगर निकालना हो तो यहाँ पे ऊपर निकाल रही हूँ मैं, एवरेज वेट ऑफ बॉयज 836 को हम डिवाइड कर देंगे 22 के साथ, क्योंकि टोटल बॉयज कितने थे 22, तो यहाँ पे एवरेज वेट निकालने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे 836 को 22 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 38 kg। एवरेज वेट जो होगा बॉयज का वो होगा 38 kg। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आज की वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आए होंगे। कल की वीडियो में मैं लेके आऊंगी कुछ और नए क्वेश्चंस जो कि क्वांटिटेटिव प्लस रीजनिंग के होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।